हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। आप बोलेंगे आज फिर से मेथी आ गई, बट ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल बनाए थे हमने मेथी आलू, तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। मैंने क्या किया, इस आलू मेथी की सब्जी के साथ आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आलू मेथी की सब्जी है ये, है बारीक अनियन कट किया हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्ची, हल्का सा नमक ऐड करेंगे इसमें और अच्छे से इनको प्रेस करके मिक्स कर लेंगे। नमक डालकर मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, ये तो बन गई हमारी स्टफिंग। इसकी अब हम बनाएंगे स्टफ्ड परांठी। तो ये मैंने एक लोई ली, दो छोटी छोटी लोइयां ले लेंगे हम गेहूं के आटे की। सूखा आटा लगाकर इसको हम थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे राउंड शेप में। ये देखिए, दो लोइयां बेल ली मैंने। अब ये बहुत ज़रूरी है, इस पर हम यूँ थोड़ा सा बटर या फिर देसी घी लगाएंगे। इस तरह से देसी घी या बटर लगाने से जो हमारी परांठी है बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब इसमें हम रखेंगे ये जो हमने आलू मेथी की स्टफिंग बनाई थी, वो रख कर इस तरह से बस दूसरी साइड से यूं इसको देखिए बंद कर लेंगे और साइडों से अच्छे से दबा देंगे ताकि ये जो स्टफिंग है ये हमारी कहीं से भी बाहर ना निकले। इस तरह से हल्का सा फैला लेंगे और प्रेस करते हुए इन सब साइड्स को बंद कर लेंगे। ये देखिए, अब ये मैंने लगाया सूखा आटा और इसको अच्छे से फैला लेंगे। थोड़ा सा बटर लगाया मैंने तवे के ऊपर। अब इस परांठी को हम अच्छे से सेक लेंगे, पहले बिना ऑयल के सिकने देंगे, उसके बाद हम ऑयल लगाकर इसको क्रिस्पी करेंगे। वाओ, दोनों साइड से अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारी स्टफिंग कितनी यमी लग रही है फ्रेंड्स। ये परांठी खाने में इतनी बढ़िया लगती है, जो भी कोई आलू मेथी नहीं खाता तो बहुत ही बढ़िया से ये खाएगा। ये रहा वाइट मक्खन, दही के साथ सर्व कीजिए इसको। आप वाइट मक्खन, येलो मक्खन, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कीजिए, ये परांठी बहुत यमी लगेगी। ट्राई कीजिए और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।